नमस्कार, मैं प्रिया। आज 17 मई चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या में तेजी से हो रहा है इजाफा। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बीते दिन स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए चौथे अपडेट तक 145 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद बिहार में प्रभावितों की कुल संख्या 1178 हो गई है। पाए गए मामलों के प्रभावित जिलों की बात करें तो भागलपुर में 5, गोपालगंज में 8, औरंगाबाद में 4, नालंदा में 1, मुंगेर में 3, बेगूसराय में 7, खगड़िया में 2, कटिहार में 5, मुजफ्फरपुर में 2, शिवहर में 1, जहानाबाद में 1, पूर्णिया में 17, नवादा में 9, वैशाली में 3, मधुबनी में 20, ईस्ट चंपारण में 1, जमुई में 9, समस्तीपुर में 13, पटना में 6, बांका में 18, भोजपुर में 6, कैमूर में 1, लखीसराय में 1 और सिवान में 2 मामले पाए गए हैं। बांका जिले में एक साथ मिले 18 कोविड 19 पॉजिटिव। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं बांका जिले में भी एक साथ 18 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद बांका में 32 मामले कुल मिलाकर अभी तक पाए गए हैं। मगर बीते दिन पहले अपडेट में संजय कुमार के द्वारा जारी किए गए में यह बताया गया है कि एक दिन में सबसे ज्यादा 18 मामले सामने आए हैं, जिसमें से ज्यादातर प्रवासी मजदूरों में संक्रमण पाया गया है, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय प्रवासी मजदूरों के ट्रैवल और कॉन्टैक्ट हिस्ट्री की जांच करने में लगी हुई है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया है कि जिन भी लोगों में कोविड 19 पॉजिटिव पाया गया वह फिलहाल सभी के सभी आइसोलेशन सेंटर में रह रहे हैं। इससे बाकी सभी लोगों में संक्रमण की आशंका थोड़ी सी कम हो गई है। शिक्षकों के लिए स्कूल और कोचिंग खोलने का दिया गया आदेश। बिहार में शिक्षकों के लिए स्कूल और कोचिंग खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है, जिसकी जानकारी कमिश्नर संजय अग्रवाल ने जारी की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि पटना प्रमंडल के सभी जिलों के स्कूल और कोचिंग संस्थान को खोलने का आदेश जारी कर दिया जा रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी साफ कहा है कि स्कूल और कोचिंग संस्थान में स्टडी मटेरियल तैयार करने और ऑनलाइन पढ़ाई कराने के लिए स्कूल और कोचिंग संस्थान खोले जा रहे हैं। पटना कमिश्नर ने स्कूल प्रबंधन को कहा है कि स्टडी मटेरियल व्हाट्सएप ईमेल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन छात्रों तक पहुंचाया जाए। यह भी साफ कर दिया गया है कि स्कूल फिलहाल छात्रों के लिए नहीं खोले जा रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस हेतु स्टडी मटेरियल तैयार करने के लिए सभी टीचर समिति स्कूल जा सकेंगे। पटना में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 100 के पार। पटना में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या 100 के पार पहुंच गई है, जिसके बाद बढ़ते मामलों को देखते हुए पटना में 18 कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं, जिसके तहत खाजपुरा बिजली गली, पाटलिपुत्र अंचल, चाणक्यपुरी मछली गली, राजा बाजार, आलमगंज थाना मोहल्ला, माखनपुर ईदगाह, अजीमाबाद अंचल, अशोक टावर मछली गली, शास्त्री नगर, बीपीएससी रोड के पास अवस्थित स्लम एरिया, पाटलिपुत्र कॉलोनी हाउस नंबर 101 रोड नंबर 1, पाटलिपुत्र कॉलोनी जकनपुर, गिरिराजपति प्रतिमा अपार्टमेंट के पास राजीव नगर रोड नंबर 4, फाइनेंस डिपार्टमेंट कॉलोनी शास्त्री नगर, दुर्गा आश्रम गली प्रेम भवन के पास, शास्त्री नगर संपचक रोड नंबर 3, शिवनगर बाईपास रोड, खेमनीचक बाईपास, पटना हवाई अड्डा थाना, बीएमपी 14 चंद्र विहार कॉलोनी रोड संख्या 25, आशियाना दीघा रोड, राजीव नगर थाना के पास पहला टोला, धनौत मानसरोवर अपार्टमेंट, मीठा कुमार रोड थाना, नौबतपुर बिरला कॉलोनी, फुलवारी गुमटी, शुभकुंडा पंचायत नवटी, एफसीआई रोड थाना, रूपसपुर प्रखंड दानापुर, ग्राम महाराजगंज बदलापुर पंचायत क्षेत्र थाना, नौबतपुर पश्चिमी जिला जजेस कॉलोनी, आरपीसी मोड़ थाना, रसूलपुर प्रखंड, दानापुर देखा जामखारी मोहल्ला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की सभी प्रवासियों से पैदल सफर नहीं करने की अपील। केंद्र सरकार द्वारा श्रमिक मजदूरों के लिए ट्रेन की व्यवस्था करवाई जा रही है, इसके बावजूद काफी सारे मजदूर हैं जो पैदल अपने राज्य वापस लौटने पर मजबूर हैं, और यही कारण है कि किसान काफी ज्यादा परेशान हो गए और पैदल सफर करते करते कई बार रास्ते में अप्रिय वाक्यों से घिर जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार लौट रहे प्रवासी मजदूरों से पैदल यात्रा नहीं करने की अपील की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि देश के विभिन्न हिस्सों से लौट आए प्रवासी राज्य में प्रवेश करने के बाद यात्रा पैदल नहीं करें। वाहन उपलब्ध नहीं होने की सूरत में वे नजदीकी पुलिस थाने प्रखंड कार्यालय को सूचित करें, उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए प्रबंध किए जाएंगे। बिहार सरकार ने खुद से वापस लौटने वाले प्रवासी को भी 1,000 रुपए देने का किया ऐलान। बिहार सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन से बिहार वापस लौटने वालों को 1,000 रुपए देने का ऐलान जारी किया है। इसके साथ ही अब बिहार सरकार ने अन्य प्रवासी मजदूरों के लिए भी अहम ऐलान जारी करते हुए खुद से वापस लौटने वालों को 1,000 रुपए देने का ऐलान जारी किया है, जिसके तहत आपदा प्रबंधन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके तहत ट्रेनों के अलावा बसों या फिर पैदल या किसी अन्य संसाधन से पहुंचने वाले मजदूरों के खाते में सरकार 1,000 रुपए डालने वाली है। मैट्रिक के छात्रों को परीक्षा के रिजल्ट का बेसब्री से है इंतजार। इंटर के रिजल्ट को समय पर जारी करने के बाद मैट्रिक के छात्र अपने रिजल्ट के लिए बेताब बैठे थे, लेकिन पहले कोविड 19 की वजह से छात्रों की कॉपियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी, उसके बाद अब मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। छात्रों को बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतजार है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो बिहार बोर्ड का रिजल्ट जल्द ही जारी हो जाएगा। कॉपियों की जांच का काम पूरा कर लिया गया है, जिसमें कि अब मई के आखिरी सप्ताह में मैट्रिक का रिजल्ट जारी हो सकता है, जो कि ऑनलाइन जारी किया जाएगा। बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर सभी छात्र का रिजल्ट चेक कर सकते हैं। स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने में बिहार सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वोकल फॉर लोकल मुहिम में बिहार का उद्योग विभाग सामने आया है, जिसके तहत अब बिहार में बने स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने की तैयारी शुरू की गई है। इसी क्रम में उद्योग मंत्री श्याम रजक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिले के महाप्रबंधक के साथ बैठक की है और स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन पर जोर देने की बात कही है। इतना ही नहीं, उन्होंने सभी प्रवासी मजदूरों के स्किल मैपिंग कर ट्रेड के अनुसार रोजगार के अवसर मुहैया करवाने की भी बात कही है। खबरों की माने तो श्याम रजक ने बताया है कि अब
ऐप के जरिए स्वदेशी सामानों की बिक्री की जाएगी, जिसके तहत बिहार राज्य में खादी कपड़ों, सिल्क और कपड़ों और बिहार हस्तशिल्प कलाओं के लिए ऐप बनाया गया है। बिहार मुख्य सचिव ने 25 मई तक 12 लाख प्रवासियों के आने का किया दावा। बिहार मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बिहार आने वाले बिहारी मजदूरों को लेकर बड़े ऐलान जारी किए हैं, जिसके तहत उन्होंने 25 मई तक बिहार में 12 लाख प्रवासी लोगों के आने का अनुमान लगाया है। उन्होंने आगे कहा है कि भले ही बिहार में प्रवासियों की आवाजाही जारी है, लेकिन प्रवासी यह ध्यान रखे कि सरकार उन्हीं लोगों को टिकट और पैसे देगी जो क्वारंटाइन सेंटर के नियमों का पालन करते हैं। नियमों का पालन नहीं करने वाले को सरकार राशि मुहैया नहीं करवाएगी। वहीं कोविड-19 के बढ़ते माहौल के बीच लॉकडाउन पर बयान जारी करते हुए उन्होंने कहा है कि बिहार में 31 मई तक बंद को जारी रखने पर केंद्र सरकार से बात हुई है, अभी इस पर फैसला आना बाकी है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए मानदेय देने का जारी किया आदेश। बिहार के सभी जिलों के न्यायालयों में तैनात डेटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर के मानदेय का भुगतान करने का निर्देश पटना हाईकोर्ट ने जारी कर दिया है, क्योंकि राज्य के निचली अदालत में कार्यरत 380 डेटा एंट्री ऑपरेटर का वेतन कई महीने से मानदेय नहीं दिया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट के महानिबंधक ने इन ऑपरेटर को देने के लिए 6,79,36,400 रुपये उपलब्ध कराने का निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार ही सभी लोगों को राशि मुहैया करवाने का निर्देश जारी किया गया है। बिहार में 40,000 माध्यमिक शिक्षकों की करवाई जाएगी ट्रेनिंग। बिहार में हाई स्कूल में कार्यरत करीब 40,000 माध्यमिक शिक्षकों को नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट दी जाएगी। यह शिक्षकों को अब तक दी गई ट्रेनिंग में सबसे अलग ट्रेनिंग है। खबरों की माने तो शिक्षकों को यह प्रशिक्षण शैक्षणिक सत्र 2020-21 में दी जाएगी। इसके साथ ही प्रारंभिक विद्यालयों में 3.79 लाख में जो निष्ठा ट्रेनिंग में छूटे हैं, उन्हें भी यह प्रशिक्षण इसी सत्र में दिया जाएगा, जिसके लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने तैयारियां शुरू कर दी है। 4 जून को केंद्र के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में माध्यमिक शिक्षकों के निष्ठा ट्रेनिंग के लिए राशि की मांग की जाएगी। पटना के प्राइवेट अस्पतालों को मिला 24 घंटे का अल्टीमेटम। कोविड-19 के इस माहौल में आम समस्याओं से जूझ रहे मरीज कहीं ना कहीं पीछे छूट जा रहे हैं, जिसके बाद सरकार ने निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, फार्मेसी और डायग्नोस्टिक सेंटर नहीं खुलने पर कई बार संस्थानों को अधिसूचना भी जारी किया था, लेकिन सभी अस्पतालों ने जैसी नाक कान मुंह बंद करके सरकार की नहीं सुनने की ठान ली है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे संस्थानों को 24 घंटे के अंदर अपने संस्थान को फिर से कार्यरत होने और उपलब्ध कराने का निर्देश जारी किया है। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। इतना ही नहीं, डॉक्टरों के निबंधन को कैंसिल किए जाने की नौबत भी आ सकती है। आम, लीची, केला, टमाटर और मक्की की प्रोसेसिंग से रोजगार के अवसर बढ़ाने का लगाया गया अंदाजा। भागलपुर कृषि, बागवानी और सब्जी का बड़ा उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के फल और सब्जियों की पैदावार होती है। खासकर आम, लीची, केला और सब्जी में टमाटर, परवल, फूलगोभी समेत कई सामानों की सप्लाई दूसरे प्रांतों में की जाती है, जिससे यहाँ के किसानों को उत्पादन का सही दाम नहीं मिल पाता है। वहीं बीते 10 साल से भागलपुर औद्योगिकी क्षेत्र में रोजगार धंधे के अवसर को बढ़ाने के लिए भागलपुर के किसान, व्यापारी और उद्यमी मेगा फूड पार्क का सपना देख रहे हैं। बंद के बाद वापस लौटे मजदूरों का हुनर भी इसमें इस्तेमाल हो सकता है। आर्थिक पैकेज के हिस्से को भागलपुर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे रोजगार व धंधे के अवसर भी पैदा किए जा सकते हैं। जानकारों की माने तो फूड प्रोसेसिंग कराने का उद्योग स्थापित किया जाएगा तो भागलपुर की सूरत ही बदल जाएगी और कामकाजी महिलाओं का काम, युवाओं को रोजगार और किसानों को उनके उत्पादन का सही दाम मिलने लगेगा। बिहार की जीविका दीदियों ने बनाए 27 लाख मास्क। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण जीविका दीदियों ने कोविड-19 के समय में अपने स्तर पर लोगों की मदद करने में लगी हुई है। मास्क की मांग को देखते हुए जीविका समूह ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, जिसके तहत अब तक जीविका दीदियों ने पूरे बिहार में मास्क बनाकर बांटे हैं। खबरों की माने तो जीविका दीदियों ने कुल मिलाकर 27 लाख से ज्यादा मास्क का निर्माण किया है, जिसकी जानकारी दानापुर का प्रोजेक्ट देख रहे राजेश कुमार ने साझा करते हुए यह बताया है कि सिर्फ पटना जिले में ही 1,70,000 मास्क का निर्माण हुआ है और इस निर्माण कार्य में जीविका के 250 से ज्यादा सेंटर शामिल है। वहीं कुल मिलाकर अब तक जीविका दीदियों ने 27 लाख मास्क का निर्माण किया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने राज्य में 453 व्यक्तियों के स्वस्थ होने की कही बात। इस समय कोविड-19 ने बिहार की परेशानी बढ़ा रखी है, मगर बिहार का स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार इस बात का दावा कर रहा है कि बिहार में भले ही कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ठीक होने वालों का आंकड़ा अभी भी ज्यादा है। बीते दिन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बिहार में उन्होंने 453 लोगों के स्वस्थ होने की बात कही है। वहीं बीते दिन बिहार में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 440 था, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से साझा की थी। बिहार एसटीईटी की परीक्षा हुई कैंसिल। बिहार एसटीईटी की परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया है, इसकी जानकारी शिक्षा विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से जारी की गई है। इसके अनुसार यह कहा गया है कि 28 जनवरी को 317 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित एसटीईटी की परीक्षा को कैंसिल करने का बड़ा निर्णय लिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार एसटीईटी परीक्षा 2019 का आयोजन राज्य के विभिन्न केंद्रों पर 28 जनवरी को किया गया था, लेकिन परीक्षा के 4 केंद्रों पर इस परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया था, जिसके बाद बचे हुए उम्मीदवारों के लिए फिर से परीक्षा का आयोजन करवाया गया था। हालांकि परीक्षा के दौरान पेपर के बाहर आने की भी बात सुनने में मिल रही थी, जिसके बाद अब यह परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया है। वहीं अब यह परीक्षा फिर से ली जाएगी, जिसके आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है।
पटना IGIMS में शुरू हुई पेपरलेस ओपीडी सेवा। पटना के IGIMS में पेपरलेस ओपीडी सेवा की शुरुआत कर दी गई है। इसके लिए बीते दिन क्षेत्रीय सचिव संस्थान के नए भवन का उद्घाटन उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के अलावा विधायक संजीव चौरसिया और IGIMS के निदेशक निहार विश्वास और संस्थान के मेडिकल सुपरिटेंडेंट मनीष मंडल भी मौजूद थे। हालांकि इस उद्घाटन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बखूबी किया गया। बिहार के क्वारंटाइन सेंटर में मिलेगा 2 टाइम का पौष्टिक खाना। बिहार के क्वारंटाइन सेंटर में बार बार खाने को लेकर शिकायतें सामने आ रही है। वहीं प्रवासी मजदूरों के लिए प्रखंड से लेकर पंचायत व गांव स्तर पर बने क्वारंटाइन में प्रबंधन विभाग ने आदेश जारी करते हुए रोजाना दिए जाने वाले खाने की रिपोर्ट मांगी है, जिसके तहत प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत की ओर से भेजे गए पत्र में किसी भी कीमत पर बासी खाना नहीं दिए जाने को कहा गया है। खाना सहित प्रवासी श्रमिकों को होने वाली किसी भी परेशानी से संबंधित शिकायत मिली तो अधिकारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाने की बात भी कही गई है। वहीं अधिकारियों ने सुबह का नाश्ता देने का भी आदेश जारी किया गया है। पटना प्रमंडल ने नेत्र अस्पताल समेत कई दुकानों को खोलने का जारी किया आदेश। आज से पटना प्रमंडल के जिलों में सभी तरह की पुस्तकों स्टेशनरी की दुकानों के साथ चश्मे की दुकान भी खोल दिए जाएंगे। प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने पटना प्रमंडल के सभी जिला अधिकारियों को इस बात की जानकारी दे दी है। इसके तहत आज से सभी जिलों में स्टेशनरी और चश्मा की दुकान के साथ नेत्र अस्पताल भी खोल दिए जाएंगे। हालांकि आज से खुलने वाले सभी दुकानों को साफ निर्देश देते हुए हफ्ते में 3 दिन खोलने का ऐलान जारी किया गया। वहीं दुकान संचालन के दौरान दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल का भी खास ध्यान रखने को कहा गया है। मजदूरों को लेकर बिहार सरकार के फैसले का शाहनवाज हुसैन ने किया स्वागत। कोविड 19 के इस माहौल में प्रवासी मजदूरों को बिहार सरकार जोर शोर से वापस लाने का काम कर रही है। वहीं वापस बिहार लौटने वाले प्रवासी मजदूर बार बार एक ही बात को दोहरा रहे हैं कि बंद के बाद भी वह बिहार से वापस नहीं जाएंगे। वहीं इस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बिहार सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार ने तय किया है कि जो मजदूर बिहार वापस आ रहे हैं उनको उनके हुनर के हिसाब से बिहार में रोजगार दिया जाएगा। यह बहुत ही सराहनीय कदम है। पूरे देश में जो इंडस्ट्रीज में कार्यरत ज्यादातर मजदूर बिहार के ही हैं, उन्हें बिहार में जाकर उद्योग लगाना चाहिए। तेजस्वी के चेहरे पर चुनावी मैदान में नहीं उतरेगी राजद, जिसका ऐलान खुद तेजस्वी यादव ने किया है, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन यह कहा है कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इस बार पार्टी तेजस्वी यादव के चेहरे को लेकर जनता के बीच नहीं जाएगी, बल्कि इस बार का चुनावी चेहरा मजदूरों का होगा। तेजस्वी यादव ने प्रवासी मजदूरों के मुद्दे को लेकर चुनाव में जाने का मन पूरी तरीके से बना लिया है और यही वजह है कि तेजस्वी ने अपने ट्विटर हैंडल का प्रोफाइल फोटो भी प्रवासी मजदूरों के नाम कर दिया है। वहीं प्रवासी मजदूरों को अपने साथ जोड़ने के लिए ऑनलाइन मुहिम भी शुरू कर दी है। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि वह राज्य के बाहर से आने वाले मजदूरों को राजद के साथ जोड़े, क्योंकि तेजस्वी यादव को ऐसा लगता है कि मौजूदा केंद्र और राज्य सरकार से नाराज प्रवासी मजदूर उनके लिए चुनाव में लाभदायक साबित हो सकते हैं। CBSE 10वीं और 12वीं की परीक्षा डेटशीट की घोषणा करेगा 18 मई को, जिसकी जानकारी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने दी है, जिसके तहत उन्होंने 10वीं 12वीं के बचे हुए परीक्षाओं के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पूरी डेटशीट को 16 मई को जारी करने का ऐलान किया था, लेकिन इसके बजाय अब 18 मई को जारी करने का ऐलान जारी किया है। आपको बता दें, यह घोषणा केंद्रीय मानव संसाधन अपने ट्विटर हैंडल से शेयर करते हुए कहा है कि CBSE की 10वीं और 12वीं की कक्षा की डेटशीट को अंतिम रूप देने के पहले कुछ अतिरिक्त तकनीकी पहलुओं पर ध्यान रखने के लिए तारीख में बदलाव किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पैकेज के चौथे किश्त में कोयला, रक्षा उत्पादन और विमानन में सुधारों पर दिया जोर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की चौथी किस्त ढांचागत सुधार को बढ़ावा देने और रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कोयला क्षेत्र के लिए 50,000 करोड़ रुपए घोषित किए हैं। खनिजों के 500 ब्लॉक की नीलामी किए जाने का ऐलान किया है। रक्षा उत्पादन में FDI की सीमा 49 से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कॉर्पोरेटाइजेशन करने का ऐलान जारी किया गया। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण कंपनियों का निजीकरण करने का ऐलान समेत कई अन्य बातें कही गई हैं। लावा जल्द ही अपने कारोबार को लेकर चीन से आएगा भारत। घरेलू मोबाइल निर्माता कंपनी लावा ने चीन से अपने कारोबार को समेटने की बात कही है। इसके साथ ही लावा ने यह भी कहा है कि अब कंपनी अपना सारा काम समेट कर भारत लाने की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए देश में 800 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। उत्पादन डिजाइन के क्षेत्र में चीन में कंपनी के कम से कम 600 से 650 कर्मचारी काम कर रहे थे। कंपनी ने कहा है कि वह भारत से दुनिया के देशों को निर्यात करेगी। इसके बाद चीन को करारा झटका लगा है। इसके साथ ही कंपनी ने यह भी कहा है कि हम चीन से अपने कारखाने में कुछ मोबाइल फोन का निर्यात दुनिया भर से करते रहेंगे और यह काम अब भारत से किया जाएगा। विराट कोहली ने लॉकडाउन के बीच जारी किया वर्कआउट का वीडियो। देशभर में कोविड 19 के कारण बंद का माहौल है, ऐसे में तमाम तरह के जिम भी बंद चल रहे हैं, जिसकी वजह से वर्कआउट करने वाले सभी लोग अपने घर पर ही सारा समय बिता रहे हैं। वहीं इसी बीच भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने जिम की सुविधा नहीं होने पर अपने आप को कैसे फिट रखे इसका वीडियो जारी किया है। विराट कोहली ने अपने इंस्टाग्राम पर 2 वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें विराट एक छोर से बेहद तेजी से दौड़ते हुए करीब 50 मीटर लंबे लेन को पार करते हुए जमीन को छूकर वापस आ रहे हैं, जिसको देखने के बाद कई सारे फैंस ने अपनी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं। साथ ही फिट रहने के इस तरीके को भी सराहा है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है आलोक कुमार, अमरनाथ कुमार, प्रेम कुमार, शिव प्रताप सिंह, अजय आलोक, धनंजय कुमार, श्रुति सिंह, साधना कुमारी, सुरभि कुमारी, जी के फिल्म्स,
अदनान सिंह, पीयूष कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार केंद्र सरकार द्वारा वोकल फॉर लोकल योजना के तहत स्वदेशी सामानों के इस्तेमाल की मुहिम बिहार में कितनी कारगर साबित होगी, कितनी नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।